नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। पेंटिंग्स। पेंटिंग्स जो हमारे घर की शोभा तो बढ़ाती ही हैं, हमारे इंटीरियर में भी चार चांद लगा देती हैं। पर यही पेंटिंग्स अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग लगाएं तो हमारा इंटीरियर तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ साथ हमें इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि कुबेर भगवान का डायरेक्शन होता है, मनी का डायरेक्शन होता है, अगर इस डायरेक्शन में हम मनी रिलेटेड पेंटिंग्स जैसे कि किसी भी करेंसी का डॉलर पेंटिंग या कॉइन्स का पेंटिंग, कोई भी इस तरीके का पेंटिंग जो कि मनी से रिलेटेड हो लगाएंगे तो हमें इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है और घर में मनी का फ्लो भी बढ़ता है। सेकेंड डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो कि वाटर रिलेटेड डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी अगर आप वाटर का कोई सोर्स जैसे कोई बहते हुए झरने हो, कोई वाटरफॉल हो इस तरीके का, या बहता हुआ पानी हो, इस तरीके का पेंटिंग अगर आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो भी, क्योंकि वाटर इंडिकेट करता है घर में पैसे को। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का कोई भी पिक्चर लगाते वक्त आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि उसमें जैसे आपने अगर झरने का फोटो लगाया है तो कोई भी हैवी रॉक्स या चट्टाने ना हो जो कि नॉर्थ ईस्ट को हैवी करेंगी, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखना है। सेकेंडली, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उस पेंटिंग में या पिक्चर में, वो आपके घर के अंदर आता हुआ दिखना चाहिए, बाहर जाता हुआ नहीं, क्योंकि मनी आपके अंदर आनी, घर के अंदर आनी चाहिए, ना कि घर के बाहर। तीसरी जो इम्पोर्टेंट दिशा है और पेंटिंग है हमारी, वो है ईस्ट डायरेक्शन के लिए। ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा उगते हुए सूरज की फोटो, मतलब उगता हुआ राइजिंग सन जो होता है उसकी पिक्चर या पेंटिंग आप लगा सकते हैं। यह आपको किसी सीनरी के साथ भी मिल जाएगी जिसमें ग्रीनरी हो और साथ में उगता हुआ सूरज हो। और आपको इस बात का फिर से इस दिशा में ध्यान रखना है कि बहुत हैवी चट्टाने या पहाड़ इसमें ना हो। आपको उगते हुए सूरज की फोटो सेवन हॉर्सेस, सात सफेद घोड़ों के साथ भी मिलेगी इजीली, आप उसे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है इस डायरेक्शन में। पर आपको फिर से इस बात का ध्यान रखना है इस पेंटिंग में कि घोड़े घर के अंदर आते हुए होने चाहिए, बाहर जाते हुए नहीं। चौथी जो डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट, उसमें हमें लगानी है हंसती खेलती लेडीज या वुमेन्स की फोटो, क्योंकि साउथ ईस्ट होती है वुमेन डोमिनेटेड डायरेक्शन। अगर हम उसमें हंसती खेलती लेडीज की फोटो लगाएंगे तो हमारे घर के लिए, हमारे घर की लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप इस डायरेक्शन में रेड या ऑरेंज कलर से रिलेटेड फ्लावर्स की पेंटिंग या पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद पांचवी जो डायरेक्शन है हमारी, पांचवी डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट में आपको लगानी है हैवी माउंटेन स्ट्रक्चर्स की पिक्चर या पेंटिंग, जिसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हों और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, हैवी, क्योंकि हमें साउथ वेस्ट को हैवी करना है तो हमें साउथ वेस्ट में हैवी माउंटेन या फिर हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें या पेंटिंग्स भी आती हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। इन दोनों ही चीजों में आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसमें ब्लू कलर ज्यादा यूज ना हो इन पेंटिंग्स में साउथ वेस्ट में, और वाटर एलिमेंट ना हो, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की दिशा है तो इसमें वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहाड़ भी जो आप लगाएंगे उसमें साथ में नदी या झरने ना हो। उसके बाद जिस दिशा की हम बात करते हैं वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्योंकि एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है तो एयर एलिमेंट के डायरेक्शन में अगर आप उड़ते हुए हवाई जहाज जैसे कि एरोप्लेन या फिर बर्ड्स, कोई भी फ्लाइंग बर्ड्स जो होती हैं, वो आप पिक्चर इसकी लगा सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसी तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये पेंटिंग्स अपने घर में लगा के देखिए, यूज करके देखिए, आपको इसका बेनिफिट खुद पता चल जाएगा, आप बेटर फील करेंगे, आपके एलिमेंट्स भी इससे जो डिस्टर्ब हो रहे होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करने का हमारे घर में, कि आप इन पिक्चर्स से या पेंटिंग्स के द्वारा उनको बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।